हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रोज़ के अपडेट के साथ आई हूँ। मैंने जो लास्ट टाइम रोज़ लगाया था कोकोपीट में, उसे लगाए हुए मुझे देखिए 7 डेज़ हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जब इसे 7 डेज़ हो जाएंगे तब तक मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं दूंगी। कल शाम ही मैंने इसे यहाँ बाहर निकाल के रखा है सारे रोज़ेस के बीच में, और देखिए अब इसमें से पत्ते निकलने लगे हैं। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं न्यू पत्ते निकल रहे हैं। तो अब इसका टाइम आ गया है इसे पहला फीड देने का। आज मैं इसे इसका पहला खाना दूंगी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो भी मैं इसका खाना मिक्स बनाऊंगी। सिर्फ स्प्रे करना है और थोड़ा सा मिट्टी में भी देना है, ज़्यादा नहीं दूंगी मिट्टी में। और ये बाकी रोज़ेस है, ये तो थोड़ा बड़ा रोज़ है, इसे तो मैंने हार्ड प्रून किया था, इसमें फिर से बहुत सारे बर्ड्स आने लगे। ये वाइट कलर का फ्लोरीबोंडा वैरायटी का गुलाब है, ये देखिए फिर से इसमें बहुत सारे फूल्स आते हैं, बंच में फ्लावर्स आते हैं। और भी आपको इसमें बर्ड्स दिखेंगे, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, पूरे बर्ड्स हैं। ये हार्ड प्रून करने के बाद ये पहला बर्ड इसमें अब शुरू हुआ है। ये एक कटिंग से मैंने रोज़ लगाई थी, उस वो भी चल गई है। देखते हैं इसका क्या होता है। इसमें भी देखिए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, आप देख पा रहे हो। देखिए ये रेड रेड जो है वो इसके पत्ते आने लगे हैं। इसमें भी ग्रोथ हो रही है। मेरे पुराने ज़्यादा पेड़ नहीं हैं इसलिए मैंने फ्लावर सब कट कर दिया है। इसे भी हल्का मैंने प्रून किया था, लाइट प्रून किया था। ये देखिए 1 लीटर पानी है, इसी 1 लीटर पानी में अभी मैं ऐड करूँगी। पहला होगा मोनो अमोनियम फॉस्फेट 1261, ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है। इसे फोलियर स्प्रे में यूज़ करते हैं तो मैं स्प्रे करूँगी। हिबिस्कस को भी अभी ये स्प्रे कर दूँगी मैं, उसकी भी ग्रोथ अभी रुकी हुई है अच्छे से, उसकी बहुत स्लो ग्रोथ है। और दूसरा मैं दूँगी सागरिका। सागरिका दिखा देती हूँ, ये इफ़को से है, ये है सागरिका, ये नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट है। इसे भी हम स्प्रे करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर ले, शेक कर ले यूज़ करने से पहले। ये मेरा स्पून है, इस स्पून से मैं हाफ से थोड़ा सा कम लूँगी तो वो 2 ग्राम हो जाएगा। ये आधा से थोड़ा सा कम मैंने ले लिया। बहुत ज़्यादा समर में आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा ही देना है। इसको मैं एक प्लांट को नहीं दूँगी, इससे मैं नियर अबाउट 10 प्लांट्स को दूँगी। इसे भी इतना हाफ स्पून ले लिया, अब इसे मिक्स कर देना। ये वाटर सॉल्युबल है, तुरंत मिक्स हो जाता है। अब ये 1 लीटर पानी में डाल दीजिए। ये देखिए पूरा सॉल्युबल था, डिसॉल्व हो गया। अब इस पानी को मैं स्प्रे करूँगी अपने सारे प्लांट्स में। चलिए हम लोग स्प्रे करते हैं। अब इन पे स्प्रे करना है। अच्छे से ये पहला खाना इसे दे रहे हैं और इस पे थोड़ा मिट्टी पे भी दे देंगे अच्छे से। मैंने सभी प्लांट्स को स्प्रे कर दिया है, जिसको ग्रोथ चाहिए, जिसकी ब्रांचेस कम है, लीव्स कम है, उनको दे दिया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हूँ अब अपने किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।